हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमने पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मैलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं, साथ ही साथ लस्टरस, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हैवी और सोनोरस भी होते हैं। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी मेटल्स की, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। और हमने कुछ पिक्चर्स भी देखी थी। ये जो नेल्स हैं ये आयरन मेटल के बने हुए हैं, ये जो पाइप्स हैं ये कॉपर मेटल की बनी हुई हैं, ये जो ट्रॉफी है, कप है, ये सिल्वर मेटल का बना हुआ है, ये जो बैंगल्स हैं ये गोल्ड की बनी हुई हैं। इसके बाद हमने पढ़े थे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ये ना तो मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। इवन ये क्या होते हैं? ब्रिटल। मतलब अगर हम ट्राई भी करें इनको शीट फॉर्म में कन्वर्ट करने की या फिर वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने की, तो ये इजीली टूट जाते हैं। इसकी एग्जांपल में हमने पढ़े थे फॉस्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। और हमने फ्यू इमेजेस भी देखी थी नॉन मेटल्स की, जैसे कि ये कार्बन है, ये सल्फर है और ये बॉटल के अंदर क्लोरीन गैस है। ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। इसके बाद हमने की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी की थी कि मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। मतलब कि अगर हम इनको हैमर की हेल्प से बीट करें तो ये पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो। और मेटल की इसी प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। और हम बोलेंगे कि मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। और हमने पढ़ा था कि बेस्ट मैलिएबल मेटल्स कौन कौन से हैं? गोल्ड और सिल्वर। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि जो एल्युमिनियम और कॉपर मेटल्स हैं ये भी हाईली मैलिएबल इन नेचर हैं। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी हमने की थी कि मेटल्स क्या हैं? डक्टाइल हैं, दैट इज़ मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स। अगर हम मेटल्स को स्ट्रेच करें तो ये पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनकी इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट, कोई भी मटेरियल पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट हो सके। और ये प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं? मेटल्स। हमने ये भी पढ़ा था कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसके लिए हमने एक सेटअप किया था जिसमें हमने एल्युमिनियम रॉड को एक स्टैंड में अटैच किया था और उसके वन एंड को बर्नर से हीट करने की ट्राई की थी। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स एंड और मिनट्स हमने क्या देखा कि इसका जो सेकेंड एंड है वो भी क्या होने लगा? हीटअप होने लगा, जिससे हमें ये पता चला कि जो मेटल्स हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट मेटल है जो हीट को कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए हमने एक सेटअप किया हुआ था, ये सेटअप यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसमें हमने बल्ब सेल को वायर के साथ कनेक्ट किया था और उसके दो एंड्स ओपन छोड़े थे। इन्होंने यहाँ पे क्लिप्स लगाए हैं। क्लिप्स अगर हमें नहीं भी अवेलेबल हों तो हम इन एंड्स को ओपन छोड़ सकते हैं और वन बाय वन पूरे ध्यान से कि हमें कोई करंट वगैरह ना लग जाए। इतनी ज़्यादा करंट इसमें होगी नहीं, लेकिन स्टिल वी हैव टू बी अवेयर। तो हमने क्या करना है, एक एक करके जो मटेरियल्स हमारे घर पर अवेलेबल है, ये जो ए और बी इसका जो एंड है, यहाँ पे उन मटेरियल्स को अटैच करने की ट्राई करनी है टर्न बाय टर्न। कुछ हमने मेटल्स ले लेने हैं और कुछ हमने नॉन मेटल्स ले लेने हैं। हम देखेंगे क्या कि जितने भी मेटल्स हमने लिए होंगे ना, उनके केस में ये टॉर्च वाला बल्ब जो है ये ग्लो करेगा और नॉन मेटल्स के केस में ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल्स क्या हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसके बाद हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर। मतलब इनकी जो अपीयरेंस है वो है शाइनी और इनको हम क्या पॉलिश भी करवा सकते हैं। हमने बहुत सारे मेटल्स देखे हैं, यूटेंसिल्स देख लेना आप अपने घर पे, ये सारे के सारे ही क्या हैं? मेटल्स हैं। आप गोल्ड की ज्वेलरी देख लो, यहाँ पे बैंगल्स की पिक्चर दी हैं। ज्वेलरी आप लोगों के पास घर पर होगी, सिल्वर ज्वेलरी होगी, जो भी अवेलेबल है आप देख लेना। जितनी भी मेटालिक आइटम्स मैक्सिमम अवेलेबल हैं, जब तक कि उनका अपर सरफेस ख़राब ना हो, दे आर लस्टरस इन अपीयरेंस।
ठीक। इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी है पढ़ी थी, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जो थे वो जनरली हार्ड थे सिवाय किसके, सोडियम और पोटाशियम के, जो कि नाइफ की हेल्प से भी कट आउट हो सकते थे, और वो क्या थे, सॉफ्ट मेटल्स। सेवन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग। एट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि रूम टेम्परेचर में सारे के सारे सॉलिड्स, सॉरी के सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं सिवाय किसके, मरकरी के, क्योंकि जो मरकरी है इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके बाद नाइन्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, हाई हैं सिवाय किसके, सोडियम और पोटाशियम के, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम के जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं दे आर लो। इसके बाद टेंथ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि मेटल्स हैं हाई डेंसिटीज, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। इलेवेंथ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मेटल्स आर सोनोरस, मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ मेटल को बीट करें तो ये क्रिंगिंग से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरसनेस या फिर सोनोरोसिटी। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमने मेटल्स में पढ़ी थी, मेटल्स यूजुअली हैव अ ग्रे और सिल्वर कलर, मतलब मेटल का जो कलर है वो ज़्यादातर ग्रे या सिल्वर होता है सिवाय किसके, कॉपर और गोल्ड के, क्योंकि कॉपर और गोल्ड का कलर ग्रे और सिल्वर के अलावा है। जैसे गोल्ड हमें पता है येलो शेड का होता है और कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन शेड का होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। अगर हम हैमर की हेल्प से नॉन मेटल्स को शीट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें या फिर स्ट्रेच करके इनको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे, ये इजीली टूट जाएंगे, इसलिए हम बोलेंगे नॉन मेटल्स जो हैं दे आर ब्रिटल। जैसे ये एग्जाम्पल दी है पेंसिल लेड की जो ग्रेफाइट से बना है, ये भी एक नॉन मेटल है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये शीट या वायर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे कि जो मेटल्स हैं वो मैलिएबल और डक्टाइल हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो मैलिएबल और डक्टाइल नहीं है, वो क्या है, ब्रिटल इन नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। हमने वो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेट किया था उसमें भी हम लगा कर देख सकते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हम ट्राई कर लेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है सल्फ़र की, इन्होंने सल्फ़र ट्राई करके देखा है, बल्ब ग्लो नहीं हुआ, इसका मतलब सल्फ़र क्या है, वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एक एक्सेप्शन है इसमें, इन्होंने यहाँ पर दी हुई है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, अगर हम ग्रेफाइट को इस सेटम में अटैच करेंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, इसका मतलब जो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को खुद से कंडक्ट होने देता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, इनकी जो अपीयरेंस है वो लस्ट्रस नहीं होती है, मतलब इनके ऊपर शाइनी अपीयरेंस या फिर आप चमक बोल सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है ब्रैकेट में, लस्टर मीन्स चमक, जैसे मेटल्स चमकीले होते हैं नॉन मेटल्स चमकीले नहीं होते। फ्यू एक्सेप्शंस हैं जिनमें से एक एक्सेप्शन इन्होंने दी हुई है नॉन मेटल की, आयोडीन, आयोडीन का जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी है जैसे कि मेटल्स का होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल, जो नॉन मेटल्स हैं ना वो जनरली सॉफ्ट होते हैं सिवाय किसके, कुछ एक्सेप्शन्स हैं जिसमें से एक सबसे बड़ी एक्सेप्शनल केस क्या है, डायमंड। डायमंड हमें पता है इट इज़ द हार्डेस्ट नॉन सबस्टांस, ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सबस्टांस है, बट इट इज़ अ नॉन मेटल, तो ये क्या है, नॉन मेटल्स के केस में क्या है, एक एक्सेप्शन है। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, जो नॉन मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ईजिली टूट जाते हैं, जैसे ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, अगर हम उसको थोड़ा सा ही बीट करके शीट फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो वो नहीं बनेगा, वो इजीली
टूट जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। सिक्स प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल्स सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं और गैसी स्टेट में भी होते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कार्बन सल्फर और फॉस्फोरस, ऐसे सॉलिड्स हैं, ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद सेवन्थ प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटल्स की कि नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम इनको मेटल्स के साथ कंपेयर करें नॉन मेटल्स को, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि जो डायमंड है तो वो नॉन मेटल, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है फॉर मेल्टिंग पॉइंट्स। इसके बाद एट पॉइंट है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ में कि नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, दैट इज़ नॉन मेटल्स आर लाइट सबस्टांसेस। जो नॉन मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी कम होती है और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। जैसे मेटल्स को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से हिट करें तो वो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो वहीं पे जो नॉन मेटल्स हैं वो ऐसी कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो सिंपल बीट की जो साउंड होती है वो अपनी नॉर्मल साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन सोनोरस इन नेचर होते हैं। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटल्स की कि नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। मेटल्स के केस में हमने पढ़ा था कि मेटल्स जनरली सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं सिवाय गोल्ड और कॉपर के, क्योंकि गोल्ड येलो है और कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सल्फर येलो है, फॉस्फोरस वाइट है, रेड भी है, ग्रेफाइट जो है वो ब्लैक है, क्लोरीन येलो ग्रीन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलरलेस हैं। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर अप कर लेंगे, वो है एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये हम इस वीडियो में इसीलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में ऑलरेडी कवर कर लिया है। जो पॉइंट्स हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़े हैं उसमें कहीं कहीं पे हमने एक्सेप्शनल केसेस जो पढ़े हैं वही एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे कंबाइन करके दिए हुए हैं। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के इंक्लूडेड हैं। जैसे पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो एक्सेप्शन है वो है नॉन मेटल्स के केस में कि जो नॉन मेटल्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट जो ग्रेफाइट है कार्बन की ही फॉर्म है ये एक एक्सेप्शन है, ये क्या करता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर इसकी भी एक्सेप्शन नॉन मेटल्स में ही है क्योंकि नॉन मेटल्स जो हैं दे आर नॉन लस्टरस, बट हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल अवेलेबल है आयोडीन जो कि बहुत ज़्यादा लस्टरस है, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक मेटल में होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। इसकी एक्सेप्शन आती है मेटल्स के केस में। हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं दे आर हार्ड, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स। कौन से एल्कली मेटल्स? जैसे लिथियम सोडियम और जो पोटाशियम है ये क्या है, इनको हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं क्योंकि ये जनरली क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं। वही नॉन मेटल्स के केस में भी एक एक्सेप्शन थी कि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर जनरली सॉफ्ट, बट जो कार्बन की एक फॉर्म है एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड, ये हमें पता है इट इज़ द हार्डेस्ट नॉन सबस्टांस और ये नॉन मेटल है बट इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। तो ये एक्सेप्शन होगी नॉन मेटल्स के केस में क्योंकि नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड क्या है इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। इसके बाद थी फिजिकल स्टेट। इसकी एक्सेप्शन मेटल्स में थी कि जो मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट जो मर्करी मेटल है इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, बट फ्यू जो अल्कली मेटल्स थे जैसे सोडियम पोटाशियम, इसमें गैलियम सीजियम भी दिए हैं, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये कम हैं।
वैसे ही हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में एक्सेप्शन नॉन मेटल्स में भी पढ़ी थी। नॉन मेटल्स में था कि जो नॉन मेटल्स हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम हैं, लेकिन जो डायमंड है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा हाई है। हमने पढ़ा था कितना है, अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसकी लास्ट एक्सेप्शन है डेंसिटी। हमने पढ़ा था कि मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, लेकिन जो एल्कली मेटल्स हैं जैसे लिथियम और सोडियम, इनकी डेंसिटी क्या है, इट इज़ लो। तो ये थी हमारी फ्यू एक्सेप्शंस। इसके बाद आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।